बच्चों हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। और बच्चों अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम करंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट, और वन बाय वन बच्चों मैं ये सभी टर्म्स डिस्कस करूंगा। सो इफ द ईएमएफ ऑफ सोर्स इज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, देन करेंट पासिंग थ्रू एल सी आर सीरीज सर्किट is defined as I equal to I naught sin omega t minus phi. So where tan phi, बच्चों ये आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल है जहां से हम tan phi की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। सो दिस इज द XL माइनस XC अपॉन R, और इम्पीडेंस इन दिस सर्किट Z, सो दिस इज द इम्पीडेंस दैट इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। और बच्चों अगर मैं करंट की पीक वैल्यू I नॉट की बात करूं, तो बच्चों दिस I नॉट दैट इक्वल टू E नॉट अपॉन Z। तो बच्चों पीक वैल्यू आई नॉट के मैक्सिमम होने के लिए हमें इस जेड है जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। सो जेड शुड बी मिनिमम। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, दिस इज द जेड, सो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, और Z को मिनिमम होना चाहिए पीक वैल्यू I नॉट को मैक्सिमम होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर E नॉट को हम Z से डिवाइड कर रहे हैं। Z अगर छोटा होगा यानी कम होगा तो E नॉट की I नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और Z बच्चों मिनिमम तभी हो सकता है जब XL माइनस XC आपका जीरो हो। सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, XL माइनस XC मस्ट बी जीरो। तो बच्चों जहां से लिख सकते हैं हम दिस XL इक्वल टू XC, और बच्चों XL था आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XL को मैंने डिफाइन किया था बच्चों XL इक्वल टू ओमेगा इनटू L, XC दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो दिस इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इनटू C। सो फ्रॉम हेयर दिस ओमेगा L दैट इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, सो फ्रॉम हेयर दिस ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 अपॉन LC। और बच्चों जहां से लिख सकते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, सो दैट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, सो दिस इज द ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, सो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो बच्चों फर्दर डिस्कशन के लिए मैं नेक्स्ट सीट पर चल रहा हूं। सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी ओमेगा दैट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और बच्चों अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी की बात करें, Z
फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी, तो बच्चों हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दैट इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू. सो फ्रॉम हेयर दिस न्यू दैट इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. और बच्चों जहां से हम जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC. सो दिस न्यू इक्वल टू 1/√LC. यानी बच्चों ये एसी की वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपका इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम है, और अगर इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट की जो पीक वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी. तो बच्चों हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एसी फ्रीक्वेंसी फॉर विच द इम्पीडेंस जेड इज मिनिमम इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर द LCR सर्किट. तो ये आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन है. बच्चों तो ध्यान से देखिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज द 1/√LC. तो बच्चों ये आपका सर्किट पर डिपेंडेंट होगा, यानी सर्किट के इंडक्टेंस और कैपेसिटर जो सर्किट में लगे हुए हैं, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसके ऊपर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगी. और नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर जो करंट की पीक वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी. अब हम आगे डिस्कस करेंगे रेजोनेंस. तो रेजोनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, देन जेड इज मिनिमम. ड्यू टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड द करेंट आई विल बी मैक्सिमम. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द रेजोनेंस. और LCR सीरीज सर्किट में जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका ये रेजोनेंस हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं. सो बच्चों दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो बच्चों आप देखिए, दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सीरीज सर्किट. इसको आप ध्यान रखेंगे. सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस R. सो बच्चों फर्दर डिस्कशन के लिए मैं नेक्स्ट सीट पर चल रहा हूं. तो हमने पढ़ा था दैट इज द ओमेगा. सो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC. और बच्चों मैं इसको ओमेगा आर भी लिख सकता हूं, यानी LCR सीरीज सर्किट के लिए वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर बच्चों रेजोनेंस हो रहा है. और अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और करंट की जो पीक वैल्यू है आई नॉट उसके लिए मैं ग्राफ ट्रेस करता हूं, यानी उसकी मैं ग्राफिकल एनालिसिस कर रहा हूं. बच्चों मैंने यहां पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट आपका ग्राफ ट्रेस किया है. तो बच्चों देखिए आप, जैसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, यानी दैट इक्वल टू 1/LC, आपका जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी. और जब इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी तो जो करंट है यानी सर्किट से पास होने वाली करंट बच्चों मैक्सिमम होगी. सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो दिस इज द आई नॉट. अगर मैं IRMS की बात करूं, सो दिस IRMS, सो दिस इज द आई नॉट अपॉन √2. सो दिस इज द IRMS एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो आप देख रहे हैं ओमेगा इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा पर करंट आपकी मैक्सिमम होगी. और जैसे ओमेगा और इंक्रीज होगा तो करंट बच्चों आपकी डिक्रीज हो रही है. और बच्चों मैंने बोला था नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द LCR सर्किट.
तो बच्चों आप देखेंगे अगर आई की मैं बात करूं जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर आई नॉट दैट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, और बच्चों अगर आर आपका इंक्रीज होता है तो आपका आई नॉट की वैल्यू भी इफेक्टेड होगी, यानी आर इंक्रीज होने पर आई नॉट आपका डिक्रीज होगा और आर डिक्रीज होने पर आई नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल ये सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू आर इक्वल टू 10 ओम के लिए ये आपका करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी ये आपका अगर कर्व है तो आर इक्वल टू 20 ओम के लिए ये बच्चों एक कर्व क्या होगा उसको हम अब डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट तो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यानी आपकी जो ओमेगा आर है ये बच्चों इंडिपेंडेंट होगा रेजिस्टेंस से, तो वो तो आपका फिक्स रहने वाला है दैट इज द 1/√LC। लेकिन जैसे जैसे आपका ये आर इंक्रीज होगा सर्किट में पास होने वाली जो मैक्सिमम करंट है या करंट है उसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। तो जहां पर जो एक कर्व है ये आर इक्वल टू 20 ओम के लिए है जहां पर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, यानी ओमेगा आर भी आपका इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा, यानी ओमेगा आर की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो करंट की जो पीक वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। मैं फर्दर डिस्कशन के लिए अभी नेक्स्ट सीट पर चल रहा हूं और अब मैं डिस्कस कर रहा हूं XL, XCR एंड इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL को हमने डिफाइन किया था बच्चों, सो दिस इज द ओमेगा L। कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज द XC, सो दैट इक्वल टू 1/ωC। इम्पीडेंस जेड दैट इक्वल टू √R² + XL - XC², सो वी कैन राइट इट ωL - 1/ωC²। और अब मैं एसी सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस XL, XCR एंड Z कर्व ट्रेस कर रहा हूं। तो बच्चों आप देखेंगे ध्यान से अगर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज होती है तो जहां पर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बच्चों लीनियरली इंक्रीज होगा, यानी L तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा XL भी आपका इंक्रीज होगा। और अब बच्चों आप अगर नीचे देखें कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC को, तो बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज होगी एसी सोर्स की, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज इंक्रीजिंग हेयर सो XC विल डिक्रीज। तो सबसे पहले मैं XL के लिए ग्राफ ट्रेस कर रहा हूं बच्चों, ये आपका लीनियर कर्व होगी, यानी ओमेगा इज जीरो सो XL इज जीरो, एज ओमेगा इज इंक्रीजिंग XL इज लीनियरली इंक्रीजिंग, सो दिस इज द ग्राफ फॉर XL, एज ओमेगा इज इंक्रीजिंग XL इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो x एक्सिस पर बच्चों मैंने ओमेगा कंसीडर किया है और y एक्सिस पर XL, XCR और Z को मैंने कंसीडर किया है। और अब मैं ओमेगा वर्सेस XC की बात करता हूं, तो बच्चों आप देखेंगे अगर आपका ओमेगा इंक्रीज होगा तो XC की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। ये मैंने ओमेगा वर्सेस XC के लिए ग्राफ ट्रेस किया है बच्चों, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ओमेगा वर्सेस ग्राफ ट्रेस किया है। अगर ओमेगा इंक्रीज होता है तो XC आपका डिक्रीज होगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका डिक्रीज होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए ओमेगा की एक स्पेसिफिक वैल्यू पर जहां पर ये आपका XL और XC दोनों इक्वल हैं तो बच्चों दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और हम बोल सकते हैं ये आपकी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और दिस इज द
रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सर्किट। जहां पर देख रहे हैं बच्चों, यहां पर आपका एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल हैं, और जहां पर एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे, सो दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस आर आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो सर्किट के रेजिस्टेंस पर उस फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सो रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट। तो ये मैंने रेजिस्टेंस के लिए जो है ग्राफ खींचा है बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा होगी। और अब बात करते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट के इम्पीडेंस की, तो बच्चों पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये जो आपका टर्म है यानी एक्सएल माइनस एक्ससी, ये जीरो होगा, और जो इम्पीडेंस जेड की वैल्यू होगी दैट इज द मिनिमम, यानी ओमेगा की एक स्पेसिफिक वैल्यू जिसको कि हम रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, जहां पर जेड की वैल्यू आपकी मिनिमम होगी, और उसके बाद में बच्चों यानी उस पॉइंट के अलावा यानी उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अलावा आपकी जेड आपका मिनिमम नहीं होगा, यानी जेड की आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, और ओमेगा की इस स्पेसिफिक वैल्यू पर जो इम्पीडेंस है वो आर के इक्वल होगा। तो ये आपका इम्पीडेंस के लिए कर्व है, और इम्पीडेंस की वैल्यू ओमेगा आर पर मिनिमम होगी, सो जेड इज मिनिमम एट दिस ओमेगा आर, एंड ओमेगा आर दैट इक्वल टू 1/√LC। तो बच्चों ये कुछ बेसिक डिस्कशन था जो मैंने अभी आपके साथ में किया है, तो इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे, बेसिकली ये कर्व भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको बच्चों आप ध्यान रखेंगे। ओके okay?